इनको पावर नहीं है, किसी को भी पावर नहीं है कि चीफ जस्टिस को नॉन फंक्शनल कर दे। प्रेजेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट तो कर सकता है, पर प्रेजेंट चीफ जस्टिस को रिमूव नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस इज ओनली वन चीफ जस्टिस, एंड दैट चीफ जस्टिस इज जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। क्लियर इंस्ट्रक्शन थी हमारी चेयरपर्सन की कि तमाम क्या कहते हैं जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या कहते हैं वुकला का साथ देना है। तो वुकला इज राइट, एक आदमी के साथ जाती हो रही है। वुकला ये हमेशा कानून की बालादस्ती और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जंग लड़ी और आज भी वही लड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिंग चीफ जस्टिस जब आएगा जब शीट बिकम्स डिफेंट स्टिल देयर, आप उसको डिसफंक्शन नहीं कर सकते। आर्टिकल 209 में किसी को पावर नहीं है। कौन सा जो क्या कहता है मिसकंडक्ट कमिट या जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने, अब क्या कहता है वजह क्या थी, चीफ जस्टिस साहब फैसले दे रहे थे, जुडिशियल एक्टिविज्म उन्होंने स्टार्ट कर दी हुई थी। एक जो लोग एक पब्लिक ऑफ राज और बड़ी हाथी देखें, स्टील मिल का केस देखें, उन्होंने कहा मिसमैनेजमेंट है, इसमें गलत कम पैसों पर ये बिक रही है, उन्होंने उसको स्टील को रुकवा दिया, कला दम कर दिया। फिर लोग डिस्टेयर हो रहे थे, एजेंसीज इंटेलिजेंस एजेंसीज ले जाती थी, पता नहीं चलता था, माए परेशान है। इस तरह से बेअंदाजा और भी केसेस पड़े हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केसेज का स्टील करने। हुकूमत जो मैं समझता हूं कि हुकूमत घबरा गई, पैनिक कर गई, कोई पावर ही नहीं है किसी के पास। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भी पावर नहीं है कि उनको क्या कहते हैं नॉन फंक्शनल कर दे। कुरान शरीफ के अंदर भी बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है आपके जजेस के साथ मत क्या कहते हैं चाकियां करो, जजेस को खरीदने की कोशिश मत करो। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुज द हेड ऑफ द जुडिशरी, उसके ऊपर आपने इल्जाम लगा दिए, उसको डिटेन कर लिया, उसको रख दिया गया, दिस इज नॉट डन इन अ सिविलाइज सोसाइटी। इस वक्त जो जस्टिस साहब है उन्होंने भी आईन के नीचे ओथ लिया हुआ है, और एक मुल्क में दो चीफ जस्टिस है, एक चीफ जस्टिस होता है। वी वॉन्ट टू रिस्टोर द जजेस, वी वॉन्ट टू रीइंस्टेट द जजेस। हमारा ये व्यू है अगर जो भी जज जो कि डिपोज्ड है और जिन्होंने पीसीओ के सेकंड पीसीओ के नीचे ओथ नहीं दिया, वो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, वो आए जुडिशरी में शामिल हो। और क्या कहते हैं आईन के नीचे जो ओथ है जो बाकी जजेस ने भी लिया है उसके नीचे भी वो लें, उनको सीनियोरिटी दी जाएगी। तमाम जो भी डिपोज जजेज हैं राज्यपाल उनसे रिक्वेस्ट की है, बाकी मानना या ना मानना उनका काम है,